वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। आज के वीडियो में हम यहां पर बात करेंगे हिमोलाइटिक एनीमिया के बारे में कि हिमोलाइटिक एनीमिया क्या होता है, क्या क्या इसके कॉजेज होते हैं और यहां पर हिमोलाइटिक एनीमिया के कंडीशन में कौन कौन से साइन और सिम्टम्स देखने को मिलते हैं और गाइस यहाँ पर हिमोलाइटिक एनीमिया को कैसे डायग्नोज करते हैं और यहाँ पर गाइस कौन कौन सा क्या क्या ट्रीटमेंट दिया जाता है, इन सारी चीज़ों को समझने वाले हैं। सो गाइस बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी न्यू वीडियो आए सबसे पहले आपको अपडेट मिले। सो गाइस यहाँ पर सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि हिमोलाइटिक एनीमिया क्या होता है। ओके सो गाइस यहाँ पर हिमोलाइटिक एनीमिया के कंडीशन में क्या होता है कि जो हमारा ब्लड होता है, ब्लड के अंदर आरबीसी होती है गाइस, जो आरबीसीज हैं उनका डिस्ट्रक्शन होने लगता है जिसको गाइस हम हिमोलाइसिस बोलते हैं। ओके तो गाइस यहाँ पर एक जो आरबीसी का जो नॉर्मल लाइफ होता है वो 120 डेज होता है, लेकिन यहाँ पर गाइस 120 डेज कंप्लीट होने से पहले ही गाइस जो आरबीसी है वो डिस्ट्रॉय होने लगती है। ओके तो गाइस यहाँ पर जो आरबीसी डिस्ट्रॉय होने लगती है, डिस्ट्रॉय होने के बाद वो ब्लड से रिमूव हो जाती है। ओके तो गाइस यहाँ पर जो आरबीसी का काम होता है वो ऑक्सीजन को कैरी करना। गाइस जब आरबीसी का बॉडी के अंदर डिस्ट्रक्शन होने लगता है तो हमारे बॉडी के अंदर आरबीसी की डिफिशियंसी हो जाती है जिसके कारण गाइस ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी डिक्रीज हो जाती है। ओके तो गाइस हमारे बॉडी के अंदर जब ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी डिक्रीज हो जाती है तो बॉडी के अंदर हाइपोक्सिया डेवलप हो जाता है। हाइपोक्सिया मीन्स गाइस ऑक्सीजन की डिफिशियंसी हो जाती है हमारे बॉडी के अंदर, ठीक है। तो गाइस यहाँ पर जब आरबीसी का डिस्ट्रक्शन होने लगता है तो गाइस आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन होता है। गाइस जो हीमोग्लोबिन का जो हीम पार्ट होता है वो गाइस बिलिरुबिन में कन्वर्ट होने लगता है। गाइस जो बिलिरुबिन में जब कन्वर्ट होने लगता है तो बॉडी के अंदर हाइपर बिलिरुबिमिया की कंडीशन डेवलप हो जाती है, यानी कि बिलिरुबिन का जो लेवल है वो इंक्रीज हो जाता है जिसके कारण गाइस पेशेंट्स में जॉइंटिस देखने को मिलता है। तो गाइस यहाँ पर जो हीमोलाइटिक एनीमिया के जो पेशेंट्स होंगे गाइस उनमें आपको जॉइंटिस देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट गाइस अगर बात करते हैं कॉजेज की, कौन कौन से ऐसे कॉजेज हैं जो हीमोलाइटिक एनीमिया को कॉज करते हैं। ओके सो गाइस यहाँ पर जो सबसे पहला कॉज है वो है एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन। अगर बॉडी के अंदर गाइस एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन है, एबनॉर्मल सिंथेसिस हो रही है तो उस कंडीशन में हीमोलाइटिक एनीमिया डेवलप हो सकता है। ओके नेक्स्ट गाइस यहाँ पर जो कॉज है वो है सिकल सेल एनीमिया। गाइस सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है कि जो आरबीसी होती है वो सिकल सेल की हो जाती है, ठीक है। तो गाइस यहाँ पर आरबीसी का जो साइज है वो एबनॉर्मल हो जाता है। तो गाइस सिकल सेल एनीमिया गाइस ये भी एक हीमोलाइटिक एनीमिया है। ओके नेक्स्ट गाइस यहाँ पर है थैलेसीमिया। गाइस जो थैलेसीमिया है गाइस थैलेसीमिया की कंडीशन में भी आपको हीमोलाइटिक एनीमिया देखने को मिलेगा। नेक्स्ट गाइस यहाँ पर जो कॉज है वो है ऑटोइम्यून डिजीज। अगर बॉडी के अंदर कोई ऑटोइम्यून डिजीज प्रेजेंट है जैसे कि रिमेटॉइड आर्थराइटिस, ठीक है, तो गाइस यहाँ पर जो ऑटोइम्यून डिजीज है वो भी हीमोलाइटिक एनीमिया को कॉज करता है। नेक्स्ट गाइस यहाँ पर जो कॉज है वो है ब्लड ट्रांसफ्यूजन। गाइस ब्लड ट्रांसफ्यूजन के टाइम पे अगर जो ब्लड ग्रुप है वो मिसमैच कर रहा है तो उस कंडीशन में गाइस ब्लड के अंदर रिएक्शन होने लगती है, आरबीसी का डिस्ट्रक्शन होने लगता है। ओके नेक्स्ट यहाँ पर गाइस जो कॉज है वो है इन्फेक्शन। अगर बॉडी के अंदर कोई बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन है तो उस कंडीशन में भी हीमोलाइटिक एनीमिया देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट गाइस यहाँ पर जो कॉज है वो गाइस ट्रॉमा। गाइस ट्रॉमा के कंडीशन में भी एनीमिया डेवलप हो जाता है। नेक्स्ट गाइस यहाँ पर कॉज है ब्लड कैंसर। गाइस जो ब्लड कैंसर होता है ये भी हीमोलाइटिक एनीमिया को कॉज करता है। कुछ ऐसे ड्रग्स होते हैं जो हीमोलाइटिक एनीमिया को कॉज करते हैं जैसे गाइस एंटी मलेरियल ड्रग्स हैं, पेनिसिलिन है, एसिटा अमीनोफेन है। ओके तो गाइस ये जो ड्रग्स होते हैं ये भी हीमोलाइटिक एनीमिया को कॉज कर सकते हैं। सो गाइस ये कुछ कॉजेज हैं जिनसे आप हीमोलाइटिक एनीमिया कंडीशन कॉज होती है। नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं साइन और सिम्टम्स के कि हीमोलाइटिक एनीमिया के कंडीशन में कौन कौन से साइन और सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। सबसे पहले गाइस यहाँ पर फटिगनेस रहेगी पेशेंट में, काफ़ी ज़्यादा थकान रहेगी और यहाँ पर गाइस पेशेंट को हेडेक रहेगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ रहेगी क्योंकि गाइस बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की डिफिशियंसी है तो उसको सांस लेने में भी प्रॉब्लम होगी, डिस्पिनिया वगैरह आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट गाइस यहाँ पर पेशेंट में आपको जॉइंटिस देखने को मिलेगा, ठीक है, क्योंकि गाइस यहाँ पर हाइपर बिलिरुबिमिया हो रहा है, बिलिरुबिन का जो लेवल है वो इंक्रीज हो रहा है। ओके और गाइस यहाँ पर जो हीमोग्लोबिन का लेवल है वो आपको डिक्रीज देखने को मिलेगा, ठीक है। पेशेंट को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहेगा, लॉस ऑफ अपेटाइट रहेगा और गाइस यहाँ पर कार्डियोमायोपैथी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, कार्डियक डिसरिथमिया देखने को मिलेगा यानी कि जो हार्ट की रिदम है वो गाइस एबनॉर्मल हो जाएगी
और यहाँ पर पेलर स्किन कलर आपको देखने को मिलेगा, यानी कि जो स्किन का कलर है वो येलोविश देखने को मिलेगा। और यहाँ पर गाइस टैकीकार्डिया देखने को मिलेगा, टैकीकार्डिया मीन्स यहाँ पर जो हार्ट रेट है वो इंक्रीज रहेगा पेशेंट का। और गाइस यहाँ पर कंजेस्टिव हार्ट फेलियर की कंडीशन भी देखने को मिल सकती है। ओके, तो ये कुछ साइन और सिम्टम्स हैं जो आपको हिमोलाइटिक एनीमिया वाले पेशेंट्स में आपको देखने को मिलेंगे। कैसे करें यहाँ पर हम डायग्नोसिस की बात करें तो गाइस डायग्नोसिस में आप हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन कर सकते हैं पेशेंट में। आप ऑब्जर्व करेंगे तो आपको जो स्किन का कलर है वो चेंज देखने को मिलेगा। और यहाँ पर गाइस सबसे जो मेन टेस्ट है वो है ब्लड टेस्ट। ब्लड टेस्ट में गाइस आप CBC करवा सकते हैं, CBC में आपको जो ब्लड काउंट है, कंप्लीट ब्लड काउंट है वो आपको देखने को मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर गाइस बात करते हैं हम ट्रीटमेंट की कि भाई हिमोलाइटिक एनीमिया के कंडीशन में कौन कौन सा क्या क्या ट्रीटमेंट दिया जाता है। सबसे पहले गाइस यहाँ पर ट्रांसफ्यूजन थेरेपी दी जाती है। ट्रांसफ्यूजन थेरेपी में गाइस हम होल ब्लड भी ट्रांसफ्यूज करते हैं, या फिर गाइस बॉडी के अंदर आरबीसी का जो काउंट है वो डिक्रीज हो जाता है तो यहाँ पर हम ओनली आरबीसी भी ट्रांसफ्यूज करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर गाइस जो कुछ मेडिसिन्स का भी यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर जो गाइस है वो बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन में क्या होता है, जो स्टेम सेल्स होती हैं उनका ट्रांसप्लांटेशन किया जाता है, क्योंकि गाइस जो स्टेम सेल्स होती हैं वो ब्लड सेल्स के प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। ओके, तो गाइस यहाँ पर ये कुछ ट्रीटमेंट है जो हिमोलाइटिक एनीमिया के कंडीशन में दिया जाता है। आई होप आप लोग सारी चीज़ें समझ गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, अगर आप हमारे चैनल पर रहें तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।